Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sana Fakhar Official. Hope you're doing well and keeping yourself safe. आज की वीडियो क्या है? आज की वीडियो वर्कआउट किए और मैंने डिज़ाइन किए उन लोगों के लिए जिनको अक्सर वेट के साथ इशू रहता है या अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि हम कैसे वेट को मैनेज करें और किस तरह से करें एंड व्हाट इज़ द राइट वे। उनके लिए मैंने एक डिज़ाइन किया, इसको मैंने कहा है कि बॉडी वेट वर्कआउट दो के ये पहले से ही लोगों को पता है एंड इट्स लाइक वेल नोन वर्कआउट एक्सरसाइज जो कि लोग करते रहते हैं, मगर मैं आपको थोड़ा सा समझा के ये बताऊंगी कि बॉडी वेट वर्कआउट क्या है और क्यों हम इसे करते हैं। हम इसे इसलिए करते हैं बिकॉज अगर आप चाहते हैं कि आपका बॉडी वेट जल्दी से फास्ट लाइक यू नो लूज़ हो और आपको जल्दी से रिजल्ट्स मिलें, तो आप अपनी एक्सरसाइज में बॉडी वेट का जो है एक्सरसाइज ज़रूर शामिल करें और कॉम्बिनेशन को लेकर चलें। तो वो कॉम्बिनेशन क्या है? वो ये है कि आज की जो एक्सरसाइज है इट्स बेसिकली ओवरऑल बॉडी वर्कआउट, बट आई वुड से अपर, मिडल एंड लोअर, इसको हमने फोकस करना है। और ताकि बल्कि मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि एक कन्फ्यूजन लोगों में ये है कि जैसे सपोज़ हमारे ट्रेनर्स भी अक्सर कहते हैं, बिकॉज मैं एक्चुअली वो चीज़ बोलती हूँ जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से और करके ओवर द टाइम लर्न की होती है। तो आई वुड से कि भाई ये ऐसे है, अच्छा इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो कैसे है। तो मैंने ये लर्न किया है कि मोस्टली ट्रेनर्स कहते हैं कि आप एक दिन एक वर्कआउट चूज़ करें, अपर या लोअर या यू नो मिडल। तो मेरा ये कहना है कि उसमें आपको चेंज ज़रूर देना चाहिए। एक दिन ऐसा हो जिसमें आप ओवरऑल बॉडी वर्कआउट करें, उससे क्या होगा कि आपका तेज़ी से वज़न गिरेगा और आपको जल्द जो है वो रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का जो वर्कआउट है वो वेट बॉडी वेट वर्कआउट है, वो हम शुरू करते हैं और मैं आपको समझाती हूँ कि मैंने क्या। इट्स वेरी सिंपल, 15 मिनट से ज़्यादा आपको लगेंगे नहीं इसमें। आपको सिर्फ अपने 15 मिनट निकालने हैं हफ्ते में 5 days, नॉट मोर देन दैट। बिकॉज मैं इसलिए ये बोलूँगी कि अक्सर 7 दिन में लोग जो लोग 7 दिन वर्कआउट करते हैं उनकी बॉडी और उनके मसल्स टायर्ड हो जाते हैं और वो रिस्पॉन्स करना छोड़ देते हैं। इसलिए हमेशा एक्सरसाइज जो है वो आपको 5 to 6 days करनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। अपने बॉडी को यू नो एक रेस्ट भी देना चाहिए। तो शुरू करते हैं आज का बॉडी वेट वर्कआउट। तो ये बॉडी वेट वर्कआउट बेसिकली है क्या? ये आपकी अपनी बॉडी के वेट से एक्सरसाइज करना होती है ताकि आपको हेड टू टो जो भी आप एक्सरसाइज करते हैं आइदर अपर मिडल एंड लोअर, आप उसे महसूस कर सकते हैं और आपको पता चल सकता है कि कौन से पार्ट जो है वो हिट कर रहा है। और जैसे मैंने आपको कहा है, ऐसा करने से आप अपना वेट बहुत फास्ट लूज़ कर सकते हैं और अपने टारगेट तक बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली मूव की तरफ चलते हैं और इससे पहले मैं ये आपको बता दूं, कोई भी आप एक्सरसाइज शुरू किया करें 10 मिनट वॉक ज़रूर कर लिया करें। वार्म अप इज़ मस्ट बिकॉज वो आपको इंजरी से बचाता है और आपको फास्ट रिजल्ट्स भी देता है। ये जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसके 10-10 रेपिटेशन होंगी और आपको 2 सेट करने हैं, 3 नहीं करने। हमेशा मैं 3 करवाती हूँ। सो चलें शुरू करते हैं। ओके, हमारी ये पोजीशन होगी तो हमने यहाँ से शुरू करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, जैसे कि आपने देखा कि राइट आर्म एंड लेफ्ट लेग जो है लिफ्ट की इस ये जो एक्स पोजीशन होती है इससे आपकी, जैसे अभी मेरी हार्ट रेट फास्ट हो रही है, इससे आपकी बर्न जो है फैट बर्न जल्दी होता है और आपकी जो बॉडी की ब्लड सर्कुलेशन है फास्ट होती है। ये इतनी इफेक्टिव है कि आप देखिए मैंने सिर्फ अभी 10 किए हैं और लाइक यू नो मुझसे बोला नहीं जा रहा। इट्स सो अमेजिंग एक्सरसाइज, अगर आप इसको ट्राई करेंगे ये बहुत इफेक्टिव है। अब ये जो सेकंड मूव है ये हमारी अपर एंड लोअर बोथ है और वो क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। और 10 हमने इसको करने हैं और 2 सेट हमने सिर्फ करने हैं इसके। चलें जी शुरू करते हैं। इसकी पोजीशन ये होगी। पहले मेरा लोअर का मैं करूँगी, दैट इज़ लाइक नो आई हैव टू काउंट 10 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. और आपने जो अपने हैंड्स हैं वो अपने शोल्डर के हिसाब से वाइड रखने हैं। और ये जो हमने मूव्स की थी लाइक ये वाली जो मैंने की थी 1 और 2 ये अपर के लिए होती है, और जो मैंने जंपिंग जो स्टेप्स किए थे वो लोअर की आ जाती है। जैसे मैंने आपको बताया इट्स ओवरऑल बॉडी वर्कआउट। ठीक है, अब अगली मूव की तरफ चलते हैं। अगली हमारी उन लोगों के लिए है जिनके थाइस का इशू ज़्यादा होता है, एक डी सा बन जाता है उनके यहाँ पे और बाकी सारा जिस्म कम हो जाता है मगर ये थाइस नहीं कम होते। अगर आप ये एक्सरसाइज ट्राई करेंगे तो आपके थाई 100% कम हो जाएंगे। तो इसको भी मैंने जैसे कहा कि 10 हमने रेपिटेशन करनी है और 2 सेट में करना है। शुरू करते हैं। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1. Each side 10 थे। अपनी लास्ट मूव की तरफ बढ़ते हैं और ये जो लास्ट है वो कोर के लिए। जैसे मैंने आपको बोला था मुझे अपर, मिडल और लोअर तीनों को टारगेट करना है, तो ये ओवरऑल बॉडी वर्कआउट है। लास्ट मूव है हमारी जो कि कोर के लिए। तो हम शुरू करते हैं और 10 इसके करने हैं आपने काउंटिंग्स। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ओके, हमारी एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। शुक्र भी अदा करना चाहिए बिकॉज आपको पता है ये भी कोई आसान चीज़ नहीं होती। एवरी सिंगल डे इवन टुडे मुझे भी अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है और मेरा ये प्रॉमिस है आप लोगों से कि मैं आपको मोटिवेट करती रहूँगी एज मच एज आई कैन। सो माई फ्रेंड्स, ये था आज का वर्कआउट जिसको हमने कहा कि बॉडी वेट वर्कआउट, और ये बहुत ही इफेक्टिव है, बहुत अच्छा है आपकी बॉडी के लिए, ओवरऑल बॉडी के लिए। ये नहीं है कि ये अपर का है सिर्फ या लोअर का या मिडिल का है, ये ओवरऑल बॉडी जो है वो टारगेट करेगा। और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जैसे मैंने आपसे कहा है 10 आपने काउंट करना है ईच टाइम और इसको 2 सेट में आपने करना है। ऐ ना होवे कि तुसी शुरू ही हो जाना 100-100 कर लेना फिर बाद ये हो कि गिरे पड़े हो। वेल एनीवेज, मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के लिए कोई चीज़ भी डिज़ाइन करना, बिकॉज मैं हमेशा से आपसे यही शेयर करती रहती हूँ कि ये वो तमाम चीज़ें हैं जिससे मैं गुजर के आई हूँ या वट एवर आई हैव लर्न ओवर माई एक्सपीरियंस एंड आई वॉन्ट टू शेयर विद यू बिकॉज एज अ ह्यूमन that's our responsibility, whatever we know we should pass on to the people. आपको अच्छा लगे तो मुझे feedback में ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि आप जितनी इससे पहले मैंने बहुत सारी एक्सरसाइजें आपके लिए रखी हुई हैं उसके बारे में भी बता दिया करें कि आपको वो कैसी लगती हैं, बिकॉज़ कभी कभी मेरे माइंड से निकल जाता है और कई दफ़ा लोग मुझसे जब पूछते हैं कि हमें आर्म की एक्सरसाइज बताएं या लेग्स की बताएं तो मुझे होता है कि फिर मैं चेक करती हूँ तो उसमें होता है। तो आप प्लीज़, मैं वैसे अपने लिंक में आपको बता भी दूंगी, लेकिन अगर आपको और कोई ऑथेंटिक एक्सरसाइज या आपका कोई ऐसा मसला हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। होता क्या है कि बहुत सारे लोग कई दफ़ा उनको अल्फाज नहीं मिलते, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं और वो जब आपको देखते हैं या मुझे देखते हैं वो एक्सरसाइज करते हैं वो कहते हैं नहीं ये तो हमारे लिए डिज़ाइन की है। तो इसी तरह आप लोगों की जो फीडबैक होती है वो मुझे भी बड़ी गाइड करती है फर्दर वीडियोस के लिए, फर्दर आइडियाज़ के लिए। सो आई लर्न फ्रॉम यू एंड यू लर्न फ्रॉम मी, सो दैट्स हाउ द लाइफ मूव्स। तो मुझे खुशी होती है हमेशा से, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि वो वीडियो बनाऊँ जो आप लोगों को अच्छी लगे और आपके लिए कोई बेनिफिट लेकर आए। सो अपना ख्याल रखिएगा और कीप फॉलोइंग दिस चैनल, सब्सक्राइब इफ़ यू थिंक दैट वर्थ वॉचिंग एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स इफ़ यू थिंक समवन इज़ गोइंग थ्रू विद दिस सिचुएशन। सो नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी एक अलग हसीन, ज़बरदस्त, अमेजिंग वीडियो के साथ। बाय बाय।